सो हेलो एवरीवन, दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो दोस्तों आज किस एपिसोड में है जो हम लोग बात करने वाले हैं कि टाटा नैनो से भी छोटी इलेक्ट्रिक कार जो कि लॉन्च हो चुकी है और इसकी जो प्री ऑर्डर है वो 30,000 यूनिट है जो बुक हो चुके हैं और काफी स्मॉलेस्ट वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कार है और ये एक इलेक्ट्रिक कार है और काफी सस्ते प्राइस में है जो लॉन्च हुई है। तो फिर चले जाते हैं इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, इसके फुल डिटेल, फीचर, इसके प्राइस और ये अपने भारत में कब तक लॉन्च होगी। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक कार की जो कंपनी है उसका नाम है माइक्रो मोबिलिटी, जो कि अपने इलेक्ट्रिक कार को लिए लॉन्च करती है और काफी सस्ते प्राइस में है जो लॉन्च करती है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक स्विट्जरलैंड कंपनी है और वहां पर जो कार है ये असेंबल होती है और इस कंपनी ने है जो पूरी दुनिया का सबसे छोटा इलेक्ट्रिक कार को है जो लॉन्च कर दिया। तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये बेसिकली सिटी राइड कार है और ये 4 सीटर कार है जो कि काफी कंफर्टेबल है। और दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये 0 से 4 सेकंड में आपको टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की दे देगा, 0 से 4 सेकंड में। तो यार इसकी स्पीड भी काफी ठीक है और अगर आप इसको वन टाइम चार्ज करते हो तो ये आपको है जो सिंगल चार्ज में 235 किलोमीटर तक की टॉप रेंज दे देगा। अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो तो आपको ये जो 250 प्लस उससे है जो आपको एक्स्ट्रा ही आपको माइलेज दे देगा। तो माइलेज में भी ये काफी सही है और काफी छोटा इलेक्ट्रिक कार है, काफी कंफर्टेबल भी है और ये 4 सीटर कार है। और बात करते हैं अब इसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर है जो आपको 5.5 किलोवाट आवर की एक लिथियम बैटरी दी गई है जो कि आपको फुल चार्ज करने में 4 घंटे का समय लेती है जो कि सही है। और बात की जाए इसकी प्राइस की तो दोस्तों इसमें इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो निकल के आती है करीब $15,000 यानी कि लगभग 12 लाख रुपए और ये फिलहाल अभी स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुई है, अदर उसके बाद ये यूरोप में लॉन्च होगी, अदर उसके बाद ये इंडिया में सून लॉन्च हो सकती है। तो ये अभी कहीं ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है कि ये इंडिया में लॉन्च होगी। तो दोस्तों ये काफी मिनी इलेक्ट्रिक कार है और काफी सही भी है और इसकी जो प्राइस है वो मुझे थोड़ी सी इसकी हाई लगी। तो ये भारत में लॉन्च हो सकता है या फिर नहीं तो ये कंपनी ने अभी है जो रिवील नहीं किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दें।